बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना कि दिल्ली में एक तो लक्ष्मीदास जी की हाँसी का प्रसंग हुआ जिस प्रसंग के माध्यम से हमें वाणी की महिमा और इंद्रावती जी की शोभा के विषय में जानने का अवसर मिला उसके बाद श्री जी शाहजहांपुर बुढ़िया पहुंचे और वहाँ एक महीना रह के हरिद्वार के कुंभ के मेले में पहुंचे हैं और साथ में हमने ये भी सुना कि हरिद्वार में कुंभ का जो मेला लगता है उसके लगने का कारण क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है क्या केवल गंगा में डुबकी लगाने मात्र से मुक्ति संभव है या फिर मुक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है इसी तरह से हरिद्वार के कुंभ के मेले में कौन कौन शामिल थे उन सब का वर्णन सुनने के बाद वहाँ उपस्थित लोगों ने श्रीजी को जब प्रश्न किया कि आपका जो मत है आपकी वेशभूषा से तो आप नए दिखाई पड़ते हैं हम जितने भी हैं वैष्णव के चार संप्रदाय छः दर्शन के आचार्य दस नाम संन्यासी इन सब में तो आपका मत नहीं लगता है कोई नए लगते हैं तो आप अपने विषय में बताइए फिर श्री जी ने प्रश्न किया कि चलिए हम नए हैं लेकिन आप तो प्राचीन पुरातन लगते हैं आप अपने विषय में बताइए कि आपका शास्त्र कौन सा है आपकी पद्धति क्या है और यदि हमें कोई प्रश्न होगा तो हम उसमें प्रश्न करेंगे आप हमारी जिज्ञासा का समाधान करना तो सबसे पहले रामानुज मत के आचार्य सामने आए और कल जो हमने अंतिम चौपाई पढ़ी थी तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट कहो अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्ट देखो अपनी दृष्ट हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्माही रामानुज मत के आचार्य अपनी पद्धति बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे मत में क्योंकि धर्म तो एक ही है मत मतांतर संप्रदाय भिन्न भिन्न है तो कह रहे हैं हमारे गुरु शिष्य की परंपरा से चले आ रहे मत में परमात्मा के नाम रूपी माला को उर अर्थात हृदय में धारण करते हैं वैसे तो तीन प्रकार के जप होते हैं नाम जप की बात करते हैं ना तो तीन प्रकार का जप होता है एक जो जोर जोर से उच्चारित करके बोलना दूसरा होता है कि आवाज तो नहीं आ रही है पर होठ हिलते हैं कुछ कुछ लोग जैसे पढ़ते भी हैं ना तो उनकी आदत होती है वो चुपचाप नहीं पढ़ सकते मौन रहकर नहीं पढ़ सकते वो बोलकर ही पढ़ते हैं और उनको बोल दिया जाए कि चुपचाप से पढ़ो बिना बोले तो उन वो ना ऐसे ही होठ हिलाते रहते हैं जैसे आवाज नहीं निकालते पर होठ हिलाते हैं जैसे बुदबुदा रहे हों उस तरह से तो ये दूसरे प्रकार का जप है और तीसरे प्रकार का जो जप है उसमें आवाज भी नहीं आती होठ भी नहीं हिलते बस अंदर जिस शब्द को दोहरा रहे हैं बारंबार, उसका भाव होता है आवाज नहीं आती तो ये तीन प्रकार के जप हुए इनमें से जो बिना होठ हिलाए अर्थ की भावना के साथ में जप करते हैं उसको श्रेष्ठ जप माना है पतंजलि मुनि ने योग दर्शन में कहा तद जपस तदर्थ भावनम आप किसी का भी जप करते हैं तो अर्थ की भावना के साथ जप कीजिए बिना अर्थ को समझे यदि आप केवल शब्द ही रट रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कौन सी माला को धारण करना है नाम रूपी माला को हृदय में धारण करना है हम सेवा पूजा में भी शाम को जब गौरी गायन करते हैं तो बोलते हैं नाम माला उर्धारो साधु भाई नाम माला उर धारो पर होता उसके विपरीत ही है भले ही एक तरफ हम मुख से कहते हैं कि नाम रूपी माला को हृदय में धारण करना चाहिए लेकिन साथ में गले में कंठी तुलसी की माला उसकी अनिवार्यता भी बताते हैं कि नहीं वो नहीं पहनोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वो नहीं पहनोगे तो तुम्हारा पतिव्रता साधन नष्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नाम रूपी माला होनी चाहिए तो ये दो तरफ की बातें हैं होना क्या चाहिए नाम रूपी माला हृदय में धारण करनी चाहिए अब यहां वैष्णव मत के चार आचार्यों में से रामानुज मत के आचार्य भी यही कह रहे हैं कि हम नाम रूपी माला को हृदय में धारण करते हैं पर इसके साथ साथ में अनेकों मालाएं गले में भी धारण किए होते हैं आप किसी भी वैष्णव मत के साधु को देख लीजिए अनेक प्रकार की मालाएं वो पहने होते हैं और उसके पीछे कहानी बताते हैं कि किस तरह से वृंदा को श्राप लगा किस तरह से लक्ष्मी जी को श्राप लगा ये सब पौराणिक कहानियां बताते हैं जबकि किसी भी प्रकार का माला पहनना धर्म अध्यात्म का परिचायक है ही नहीं ये तो बाह्य चिन्ह है हाँ इन वनस्पतियों में औषधीय गुण होता है जैसे जब हम चंदन करते हैं चंदन की वैज्ञानिकता क्या है आजकल तो शुद्ध चंदन भी उपलब्ध नहीं है आप मार्केट में से सिंथेटिक कलर मिला हुआ कोई पाउडर कोई चूर्ण लेकर के आते हैं उसमें थोड़ा सा पानी घोल देते हैं और तिलक करते हैं केवल रंग दिखाने के लिए देखने से लगेगा कि हाँ ये किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं पर उसका कोई लाभ नहीं है केवल इतना ही लाभ है कि आप किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए और उस चंदन को देख करके चंदन की आकृति को देख करके लोग समझ जाएंगे कि अच्छा आप वैष्णव हैं कि आप शैव हैं वैष्णव में से आप बहुत सारे मत हैं ना वैष्णवों में भी यहाँ चार मतों का उल्लेख है उसके अलावा भी वल्लभाचार्य मत है रामानंदी है कृष्णाश्रय रामाश्रय दो प्रकार की भक्ति धारा है उसमें भी सगुण भक्ति करने वाले निर्गुण भक्ति करने वाले अलग अलग आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन से मत का चिन्ह है कोई पूरा लंबा इस तरह से चंदन पोत लेता है कोई इधर से यू की आकृति बनाता है कोई चंद्रमा बनाता है कोई केवल बिंदी लगाता है पर यह केवल किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षित होने का चिन्ह है इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यदि लेना देना होता तो फिर कोई एक होता ना इतने सारे तरीके क्यों होते कि इस तरी और फिर जो जिस संप्रदाय को मानता है जो जिस संप्रदाय में बधा हुआ है वो उसी चीज को सही बताता है बाकी सबको गलत बताता है इसलिए ये सब केवल बाह्य चिन्ह है हाँ जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि चंदन का औषधीय गुण यह है कि उसमें शीतलता होती है सुगंध भी होती है मस्तक पे चंदन का लेप करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है शीतल रहता है इसीलिए और चंदन को तो पिया भी जा सकता है पान भी किया जा सकता है पानी में घोल करके उसका भी औषधीय गुण होता है इसी तरह तुलसी में तुलसी के एक एक अंग में चाहे वो जड़ हो चाहे वो उसके डंठल हो चाहे पत्ते हो चाहे फूल हो हर एक अंग में औषधीय गुण होता है तुलसी को उन वनस्पतियों में माना जाता है जो सबसे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं चाहे तुलसी हो चाहे पीपल हो और ऐसी वनस्पतियों का संरक्षण करना चाहिए इस कारण यह नियम बनाया गया कि इन वनस्पतियों को घर में लगाया जाए और एक बार लगाया जाए तो कोई भी उसको न काटे अब सामान्य रूप में तो यह संभव नहीं होता है लोग इस तरह की बातों को नहीं मानते लेकिन जब किसी न किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है उसको तो फिर लोग डरते हैं कि अच्छा किसी ने बता दिया कि तुलसी में नहीं तु, तुलसी को उखाड़ना नहीं चाहिए ये वृंदा देवी है इनको उखाड़ोगे तो पाप लगेगा तब नहीं उखाड़ेंगे अगर वृंदा पर श्रद्धा होगी तो इसी तरह से पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है ऐसा यदि कहा जाए तो लोग उसी डर से भी कि विष्णु भगवान रुष्ट न हो जाए पीपल के पेड़ को नहीं काटेंगे इसलिए ऐसे ऐसे नियम बनाए गए ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ी गई तो उन्हीं कारणों से इन सब चीजों की महिमा बताई गई कि कंठी का ये गुण है चंदन का ये गुण है वरना वास्तविकता ये है कि साधना भक्ति हमारी चेतना का हमारी आत्मा का विषय है हाँ बाकी सभी विषय हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा इसके पीछे अलग अलग वैज्ञानिक कारण है आपके पास उपलब्ध है यदि चंदन उपलब्ध है आप मस्तिष्क मस्तिष्क पर लगाइए मस्तक पर लगाइए माथे पर आपके पास तुलसी उपलब्ध है तो उसके औषधीय गुणों का लाभ लीजिए ये ठीक है पर केवल ये सोचना कि हाँ मैंने कंठी बना के लगा लिया है और मैं प्रतिदिन चंदन करता हूँ तो मैं धार्मिक हो गया उससे धार्मिक नहीं होते एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि प्रत्येक व्यक्ति इस मुहावरे को तो समझता है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरा है ना इसका मतलब क्या हुआ कि केवल राम राम कहने से भक्ति नहीं होती है ना इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि राम राम कहने से मुख से राम राम कहने से और अगर आप वो साथ में छुरा लेकर के मतलब हिंसा की आपकी प्रवृत्ति है तो वो धर्म नहीं है मतलब लोगों को पता तो है पर ये सभी बातें जो भी उनके मन में है वो अवचेतन मन में है लोक व्यवहार में ऐसा नहीं देखने को मिलता है लोक व्यवहार में तो यही देखने को मिलता है कि जो मुंह से राम राम कह रहा है जो चंदन लगा रहा है तिलक लगा रहा है कंठी धारण कर रहा है विभिन्न प्रकार की मालाएं धारण कर रहा है वही साधु है वही धार्मिक है जबकि वास्तविकता हम सब जानते हैं मान लीजिए क्या केवल वेशभूषा पहनने से कोई धार्मिक होता तो सीता का अपहरण करने के लिए रावण भी तो साधु के वेश में आया था ना क्या वेशभूषा का धारण करने मात्र से रावण का हृदय परिवर्तित हो गया इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं केवल बाह्य हैं शरीर से संबंधित है इनका धर्म और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है यदि कोई व्यक्ति भले ही इन चीजों को धारण नहीं करता है फिर भी उसमें धर्म के दसों लक्षण स्थित हैं वह सत्य बोलता है चोरी नहीं करता क्षमा के धर्म का पालन करता है अपने इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकता है क्रोध नहीं करता है इसी तरह से उसमें विद्या अथवा ज्ञान है तो वह धार्मिक है और इसी के विपरीत यदि गले में सौ माला भी धारण कर लेते हैं लेकिन हृदय सत्य की तरफ नहीं लगता तो वह धार्मिक नहीं है वाणी क्या कहती है सौ माला वाओ गले में द्वादश करो दस बेर लो प्रेम न उपजे पीऊसो तोलो मन न छोड़े फिर भले ही आप गले में सौ मालाएं धारण कर ले चाहे आप अपने शरीर के बारह अंगों में चंदन कर लें फिर भी यदि परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम नहीं है और माया के प्रति अनासक्ति नहीं है तो मन आपका माया के फेर से नहीं छूटने वाला है माया के चक्कर से नहीं छूटने वाला है लेकिन इसके साथ साथ में ये भी समझना होगा कि इसका दूसरा पक्ष ये है कि आपने आधी अधूरी बात समझ ली कि चंदन लगाना कंठी पहनना ये धर्म नहीं है और आपने उसका त्याग कर दिया और आप सोचने लग गए कि अब मैं धार्मिक हो गया लेकिन अब भी यदि धर्म के लक्षण मौजूद नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं इसका मतलब क्या हुआ कि धार्मिक होने के लिए चंदन कंठी को पहनना भी अनिवार्य नहीं है और त्यागना भी अनिवार्य नहीं है आप कंठी चंदन धारण किए हुए भी यदि धर्म के सभी लक्षण मौजूद हैं तो धार्मिक हैं और नहीं है तो धार्मिक नहीं है और यदि आपने कंठी चंदन का त्याग किया उसके बाद भी यदि लक्षण मौजूद नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है दोनों अवस्था में जो गुण धारण करने योग्य हैं उनका धारण करना ही चाहिए और जो अवगुण परित्याज्य है उनका त्याग ही करना चाहिए अब आगे क्या कहते हैं अच्युत गोत्र अत सूचि परम हमारा जो गोत्र है वह अच्युत है जो कि अति पवित्र है अच्युत का मतलब होता है जो हमेशा श्रेष्ठ रहता है कभी भी पतित नहीं होता है गिरता नहीं है और बहुत ही परम पवित्र है कौन सा है बताया नहीं कैसा है वो बता रहे हैं गोत्र किसे कहते हैं जैसे जिस वंश में जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उस कुल के जो मूल प्रारंभ के ऋषि हुए होंगे उन ऋषियों के नाम से हमारी परंपरा जो चली है वंश परंपरा तो उन ऋषियों को गोत्र कहा जाता है गोत्रात अपत्यम जिसके द्वारा वंश चला है जिसके द्वारा उत्पत्ति हुई है जैसे समाज में बहुत सारे कोई सांडिल्य गोत्र है कोई भारद्वाज गोत्र है कोई कश्यप गोत्र है कोई अत्रि गोत्र है कोई इस तरह कौटिल्य गोत्र है विभिन्न गोत्र हैं और ये सभी उन ऋषियों के नाम से हैं और इन सभी संप्रदायों के आचार्यों ने अपना अपना गोत्र अलग अलग बताया है सब यही बताना चाहते हैं कि हमारा मत सर्वश्रेष्ठ है ये बताने के लिए उन्होंने कह दिया कि हमारा जो गोत्र है वह परम पवित्र है और प्रभु अनंत शाखा जो आही कि अनंत परमात्मा हमारी शाखा है शाखा का तात्पर्य क्या होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जो विभिन्न धाराएं होती है अध्यात्म ज्ञान की विभिन्न धाराओं को शाखा कहा जाता है हमारी पद्धति में आध्यात्मिक उपलब्धियों को 108 शाखाओं में बांटा गया है वे 108 सौ आठ कौन कौन सी जिसका वर्णन हम आगे आने वाली चर्चा में सुनेंगे अब इन्होंने कह दिया कि जो अनंत परमात्मा है वही हमारी शाखा है और क्या कहते हैं शुक्ल हमारो वर्ण है हमारा वर्ण शुक्ल है जैसे वैसे तो चार वर्ण माने जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कह रहे हैं, हमारा वर्ण शुक्ल है जो सभी वर्णों से अलग है साम वेद द्वार श्रवणा मुक्त समीपी जाहिर हम साम वेद को मानते हैं वैसे तो चार वेद हैं चारों वेदों के अलग अलग विषय हैं ऋग यजु साम और अथर्व चार वेदों के कर्म उपासना ज्ञान और विज्ञान ये चार विषय हैं। जैसे यजुर्वेद में विशेष रूप से कर्म कांड है विशेष रूप से मैं बात बता रहा हूं इसी तरह से सामवेद में उपासना है ऋग्वेद में ज्ञान है और अथर्ववेद में विज्ञान है अब कोई ऐसा कहे कि मैं एक वेद को पढ़ता हूं एक वेद को मानता हूं इसका मतलब क्या है कि किसी एक विषय में वो जानकारी प्राप्त करेगा महाभारत काल तक गुरुकुल में जब भी विद्यार्थी प्रवेश करता था तो उस अंग और उपांग के साथ में चारों वेदों को पढ़ाया जाता था जैसे अंग उपांग का मतलब छह दर्शन हो गए और उपांग में शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण ये सभी पढ़ाए जाते थे और साथ में चार वेद धीरे धीरे ज्ञान का लोप होता गया और चारों वेदों को पढ़ने वाले तो कुछ ही लोग पाए जाने लगे और जैसे जैसे ज्ञान का लोप होता गया तो वहाँ से स्वार्थियों का बोलबाला होना शुरू हो गया क्योंकि किसी भी व्यक्ति का स्वार्थ वहीं जाकर फलीभूत होता है जहाँ लोग अज्ञानी होते हैं यदि लोग जागरूक हों तो किसी का भी स्वार्थ फलीभूत नहीं होता इसलिए जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अनपढ़ लोगों को ये बताना शुरू किया कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है शिक्षा की आवश्यकता नहीं है हाँ कुछ कुछ स्थानों पर गुरु परंपरा से चारों वेद पढ़ाए जाते थे जो चारों वेदों को याद कर लेता है उसको ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है आज भी आप दक्षिण भारत की तरफ जाइए कुछ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे बहुत ही प्रतिभाशाली जिन्होंने चारों वेद याद किए हुए हैं तो जो चारों वेदों को याद कर लेता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था जिन्होंने केवल चारों वेदों को अर्थ सहित पढ़ा है उसको चतुर्वेदी कहा जाता है जिसने तीन वेद पढ़े उसको त्रिवेदी दो वेद पढ़ने वालों को द्विवेदी एक वेद पढ़ने वाले को सुवेदी अथवा पाठक कहा जाता है धीरे धीरे अब सोचिए वेद पढ़ने वाले की ये उपाधि थी लेकिन ये तो सरनेम में बदल गया चतुर्वेदी चौबे बन गए अपभ्रंश होकर त्रिवेदी तिवारी बन गए द्विवेदी दुबे बन गए जो सुवेदी थे वो भी एक सरनेम सुवेदी और पाठक के नाम से सरनेम लिखा जाने लगा लेकिन वेद से तो दूर हो गए वेद से विमुख हो गए और जितने संप्रदाय थे उन संप्रदायों ने भी एक एक वेद को बांट लिया पकड़ लिया दर्शन के भी भिन्न भिन्न आचार्य हैं अलग अलग दर्शन को पकड़ लिया कि मेरा तो ये विषय है मैं सांख्य दर्शन को मानता हूँ मैं सांख्य दर्शनी हूँ मैं वेदांत को मानता हूँ मैं वेदांती हूँ जबकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सभी जो चारों वेद हैं चारों वेदों का प्रतिपाद्य विषय भी भिन्न भिन्न है चारों को मिला करके एक जो विशेष ज्ञान की जो आवश्यकता है वो पूरी होती है जैसे ये मंदिर है मंदिर में चार दीवार है यदि एक ही दीवार बनाई जाए तो घर पूर्ण थोड़ी होगा हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग हैं एक ही अंग से मनुष्य पूर्ण थोड़ी होता है एक अंग की कमी रहने पर भी वह अपांग कहलाता है विकलांग कहलाता है तो कोई ये कहे कि नहीं हम तो इस वेद को मानते हैं यही सर्वश्रेष्ठ है तो यह अनुचित है हाँ चारों वेदों को याद करने में पढ़ने में कठिनाई हो यदि तो एक वेद पढ़े वो अलग चीज है पर एक सांप्रदायिक रूप से ये मान लेना कि हमारे संप्रदाय का जो वेद है वह सामवेद है बाकी जो वेद है वो दूसरे संप्रदाय के हैं और दूसरे संप्रदाय वाले का है कि नहीं सामवेद तो रामानुज वालों का है हम उसको क्यों पढ़ें तो ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे इसीलिए चारों वेद सबके लिए है सभी प्राणी मात्र के लिए और सभी वर्ण के लिए चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो या इससे भी निम्न कोई वर्ण संसार में कहलाता है तो उन सब के लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो सब के लिए यथे माम वाचम कल्याणीम वाचम उदिव्य सबके कल्याण के लिए मेरा उद्भव हुआ है ये वेद का कथन है तो इसीलिए सभी वेदों को पढ़ना पढ़ाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए रामानुज मत के लोगों ने कहा हम सामवेद को सुनते हैं और हमारी मुक्ति कौन सी है सामिप्य मुक्ति सामिप्य मुक्ति का तात्पर्य क्या है वैष्णवों में चार प्रकार के मुक्ति का वर्णन है अभी मैं एक साथ सभी चारों मुक्तियों का अर्थ बता दे रहा हूं बाद में मैं व्याख्या नहीं करूंगा सामीप्य मुक्ति का तात्पर्य होता है जिसकी आराधना की जाए उसके समीप में उसके नजदीक में स्थान मिल जाए तो उसको सामीप्य मुक्ति कहा जाता है दूसरी है सालोक्य मुक्ति जिसकी भक्ति की जाए उसके लोक में स्थान मिल जाए वह सालोक्य मुक्ति है फिर सारूप्य जिसकी पूजा की जाती है उसके जैसा रूप प्राप्त हो उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं और एक हो गया सायुज्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति का तात्पर्य जिसकी भक्ति की जाती है उसमें समा जाए उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है तो वैष्णव में इस तरह से चार अलग अलग मुक्ति को मानने की परंपरा है और साथ में जो वर्ण की बात की गई कि हमारा वर्ण शुक्ल है शुक्ल का मतलब सफेद अथवा बहुत ही जो स्वच्छ है उसको शुक्ल कहा जाता है वास्तव में ये जितने भी रंग हैं ये रंग हमारे हृदय की भावना के प्रतीक हैं। जैसे जब हमारी प्रवृत्ति पूरी तरह से सतोगुण की होती है उसको श्वेत रंग की भावना वाला कहा जाता है इसी तरह से जो तमोगुण की अवस्था होती है तमस का मतलब अंधकार होता है तो काला जो रंग है उसको तमोगुण का प्रतीक माना जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति में काला रंग है तो वो तमोगुणी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ चित्त की भावना की बात है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित होता है तो हम कहते हैं कि गुस्से में लाल पीला हो गया है न वो लाल हुआ रहता है न वो पीला हुआ रहता है यह एक रंग जो है वो किसी न किसी भावना को व्यक्त करती है तो इसी तरह से जो शुक्ल वर्ण है वह सतोगुण की प्रवृत्ति का है सतोगुण और रजोगुण की जो मिश्रित प्रवृत्ति है वो लाल रंग है इसी तरह से रजोगुण और तमोगुण की जो मिश्रित प्रवृत्ति है वह पीला रंग है और जहां घनघोर तमोगुण है वह काला रंग है इस तरह से रंग की वास्तविकता है अब यहां रामानुज मत के लोग कह रहे हैं कि हम सतोगुण युक्त सफेद रंग को मानते हैं जो कि हमारा वर्ण है आगे कह रहे हैं मठ वैकुंठ है हमारो हमारा मठ वैकुंठ है मठ किसको बोलते हैं जैसे कोई ऐसा स्थान जहां एक महंत के अधीन में बहुत सारे साधु सन्यासी रहते हों। ऐसे स्थान को मठ कहा जाता है अब वैष्णव ये मान रहे हैं कि हमारा जो स्थान है वह वैकुंठ है वहां पर हम सभी साधु जाएंगे उस भाव से वो अपना मठ वैकुंठ बता रहे हैं इसी तरह सुमेरु प्रदक्षिणा जान सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा हमारे लिए पवित्र है हम उसको पवित्र मानते हैं प्रदक्षिणा अथवा परिक्रमा किसको बोलते हैं जहा आप मानते हैं कि यहाँ मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं अथवा किसी विशेष स्थान को चारों तरफ घूमना उसको प्रदक्षिणा कहा जाता है तो वही रामानुज मत के लोग कह रहे हैं हमारी जो प्रदक्षिणा है वो सुमेरुमत है बीज मंत्र निराकार और हम किसको मानते हैं बीज मंत्र निराकार निराकार को बीज मंत्र मानते हैं मंत्र किसको बोलते हैं मननात इति मंत्र जिसका मनन किया जाए जिसका चिंतन किया जाए अपने आराध्य के गुणों का मनन किया जाता है कोई भी मंत्र होता है ना तो उस मंत्र में जिसको वो आराध्य मानते हैं उनके गुणों का उनकी शोभा का वर्णन होता है चाहे वो कोई भी मंत्र हो इसलिए तो मैंने पहले ही कहा योगदर्शन में कहा है तपस्त तदर्थ भावनम मंत्र का जब मनन किया जाता है उसको बार बार दोहराया जाता है तो जि, मंत्र में जिसका नाम है उसके गुणों को याद किया जाता है बारंबार तो ये कह रहे हैं कि हम निराकार को मानते हैं और नभ सम ब्रह्म मान और ब्रह्म को हम नभ अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक मानते हैं अब यहाँ इनके एक ही मत में दो भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा दिखाई पड़ रही है एक तरफ वो वैकुंठ में ईश्वर मान रहे हैं विष्णु भगवान को और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म तो कण कण में है ये तो विरोधाभाषी हो गया ना या तो वो वैकुंठ में होंगे या फिर कण कण में होंगे क्योंकि कोई एक किसी स्थान विशेष में रह रहा है तो वो निराकार कैसे हो सकता है वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है वैष्णव सभी वैष्णव विष्णु भगवान के शंख चक्र गदाधारी गदा पद्मधारी गदा पद्म रूप को मानते हैं लक्ष्मी जी को उनकी अर्धांगिनी बताते हैं कोई उनका निवास वैकुंठ में मानता है कोई उनको शेष साई के ऊपर शयन करने वाला मानता है चाहे दोनों में से कोई भी माने पर इन दोनों मान्यताओं में से निराकार और सर्वव्यापक तो साबित नहीं होता है लेकिन ये अपना मत निराकार और सर्वव्यापक बता रहे हैं और कह रहे हैं पद्मनाभ जो क्षेत्र है मेल कोटा सुखविलास पद्मनाभ क्षेत्र पद्मनाभ क्षेत्र अर्थात तो जो विष्णु भगवान का एक रूप है पद्मनाभ नाम का उसको हम क्षेत्र मानते हैं वैसे देखा जाए तो ये जो भारतवर्ष है भारतवर्ष का मतलब आज जिसको इंडिया कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं एक तो ऐसी विडंबना है हमारी जैसे एक देश है अमेरिका अमेरिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हाँ जी अमेरिका ही बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं अमेरिका ही बोलते हैं अमेरिका को चाइनीज लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अमेरिका ही बोलेंगे है ना और हम आप कहीं पर भी चले जाइए जैसे मान लीजिए जो सरकारी गाड़ी होती है सरकारी गाड़ी में वहां लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में क्या लिखा होता है भारत सरकार भारत को अंग्रेजी में भारत क्यों नहीं कहा जा सकता है जितने भी प्रोपर नाउन होते हैं ना व्यक्तिवाचक नाम उनका तो ट्रांसलेशन होता ही नहीं है भारत का ट्रांसलेशन इंडिया कैसे हो गया किसी को पता कोई बता सकता देखिए भारत का ट्रांसलेशन इंडिया कभी भी नहीं होता है ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी है उसमें एक शब्द था पता नहीं आजकल तो निकाल दिया होगा कि अभी भी लागू होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इंडिया शब्द अथवा इंडियन जो शब्द है उसका अर्थ होता है नाजायज नाजायज संतान अवैध संतान हम अपने आप को इंडियन कहते हैं ना प्राउड टू बी एन इंडियन बोलते हैं ना इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नाजायज संतान संतान होने पर गर्व है यही होता है इसका मतलब इन लोगों ने अंग्रेजों ने हमें इंडियन क्यों कहना शुरू किया पता है आपको क्योंकि अवैध संतान कह रहे हैं और अवैध संतान क्यों क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार जो चर्च में शादी की जाती है वही शादी वैध मानी जाती है वैलिड मानी जाती है हमारे यहां तो कोई चर्च में शादी नहीं करता है हमारे यहाँ तो फेरे लेने की परंपरा है मंदिरों में विवाह की परंपरा है तो उनके हिसाब से हमारी शादी क्या हो गई अवैध तो जो शादी ही नहीं हुई है ऐसे शादी में से कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको वो अवैध ही बोलेंगे ना इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को उन्होंने इंडियन कहना शुरू कर दिया और हम लोग क्या बोलते हैं प्राउड टू बी और भारत शब्द का अर्थ क्या होता है भारत शब्द दो कारणों से बना है एक तो भरत का नाम तो आपने सुना होगा दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र हैं उन भरत के द्वारा पालित होने के कारण भरत के द्वारा भारत बना है भरत का होने के कारण जैसे इसमें संस्कृत व्याकरण के गुण संधि का नियम लागू होता है जिससे पालित होता है या जिससे जन्म होता है जैसे कुंती से कौंतेय बना है पांडु से पांडव बना है इसी से इसी तरह से भरत से भारत बना है पहला कारण दूसरा कारण भा कहते हैं ज्ञान को और उसमें रत जो है जो ज्ञान में लगा हुआ है हमारे यहां के लोग जब विदेशों में जहां आजकल ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज है वहां के लोग जब पत्ते लपेटा करते थे शरीर में जब कपड़े पहनने का ढंग नहीं था तब हमारे यहां नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे और ये तो विश्वविद्यालय की बात हो गई एक एक ऋषि के आश्रम में दस दस हजार विद्यार्थी हुआ करते थे एक एक ऋषि स्वयं विश्वविद्यालय का रूप था आप दुर्वासा ऋषि को देखिए उनके कितने शिष्य थे दस हजार शिष्यों को वो अकेले पढ़ाते थे अकेले हैंडल करते थे और ऐसे ऐसे हजारों गुरुकुल थे भारतवर्ष में इसलिए इसको भारत कहा जाता है ज्ञान में लगा हुआ और हम उसको इंडिया कहते हैं हमने कितना छोटा बना दिया है उसको यह मैंने प्रसंग चल रहा था इसलिए मैंने एक सामान्य जानकारी की बात बताई तो हम कोशिश करें कि यदि हम कहीं भी बाहर जाएं या यहां पर भी हम अपना परिचय देते हैं तो हम आई एम इंडियन लिखने की जगह पर आई एम भारतीय लिखें शुरू में हो सकता है कि आपको संकोच हो कि कोई मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगा पर हर अच्छी बात का शुरुआत में यही तो होता है हर अच्छी बात का विरोध किया जाता है तो आप अपने आप को भारतीय लिखें इंडियन न लिखें अब आते हैं मूल मुद्दे पर तो मैं बात कर रहा था हमारा जो भारतवर्ष है भारतवर्ष में वर्तमान का भारत जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं उसके अलावा म्यांमार म्यांमार को वर्मा कहते हैं इसी तरह से भूटान बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सभी क्षेत्र जो है वो भरत खंड में आते हैं और उधर श्रीलंका भी तो भरत खंड अथवा भारतवर्ष को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया था धर्म के अथवा अध्यात्म के ज्ञान के हिसाब से और वो क्षेत्र ज्ञान के हिसाब से कहने के, का मतलब यह है कि जैसे कोई स्थान ऐसा हुआ जहां पर परशुराम ऋषि हुए उनके नाम से परशुराम क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत में आप केरल में चले जाइए उसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है आप जैसे मान लीजिए कि पूर्वोत्तर यूपी चले जाइए बलिया जिले की तरफ तो उसको भृगु ऋषि का क्षेत्र बताया जाता है बक्सर जो जिला है बिहार में पड़ता है उसको हरिहर क्षेत्र कहा जाता है तो ऐसे ही विभिन्न स्थानों को अलग अलग ऋषियों के नाम से अलग अलग महापुरुषों के नाम से बाँटा हुआ है जिसको क्षेत्र कहते हैं अब यहाँ जो वैष्णव है वो अपने आप को कह रहे हैं पद्मनाभ जो क्षेत्र है हमारा क्षेत्र विष्णु भगवान का रूप है पद्मनाभ ही है मेलकोटा सुख सुखविलास हमारे सुखविलास का स्थान मेलकोटा है लक्ष्मी इष्ट अत गोप है हमारे जो इष्ट है वह लक्ष्मी है जो कि अत्यंत गोपनीय है अर्थात हर कोई उनको नहीं जान सकता है। इष्ट किसको बोलते हैं जो आराध्य हैं आराध्य की आह्लादिनी शक्ति को इष्ट कहा जाता है तो सामान्य रूप में जो विष्णु भगवान को आराध्य मानते हैं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनके इष्ट कौन हुए लक्ष्मी जी शिव जी की पूजा करने वाले के लिए इष्ट होती हैं पार्वती कृष्ण जी की पूजा करने वाले के लिए इष्ट होती हैं कौन रुक्मिणी क्योंकि रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ था ना तो इसीलिए वैधानिक रूप से रुक्मिणी जी को इष्ट बताया जाता है तो यहां पर क्योंकि विष्णु भगवान आराध्य हैं इसीलिए लक्ष्मी जी को इष्ट बताया जा रहा है कहते हैं है उज्जवल अति प्रकाश जिनका जो ज्ञान है वह अत्यंत उज्जवल है और गोपनीय भी है आगे कहते हैं ये पद्धति लक्ष्मी से चली हमारी पद्धति किससे चली है लक्ष्मी जी से और इस पद्धति में किसी भी प्रकार का भ्रम ही नहीं रहता है और यदि कोई इसको ग्रहण नहीं करता तो वो व्यक्ति भ्रम में रहता है अब सोचिए प्रश्न ये होता है कि इस मत को रामानुज संप्रदाय क्यों कहा जाता है कोई बताएगा रामानुज मत तो इसीलिए कहा जाता है ना कि रामानुज आचार्य से ये संप्रदाय चला है अब जब रामानुज आचार्य से चला है तो यहां पर ये कैसे कहा जा रहा है कि लक्ष्मी जी से चली और यदि लक्ष्मी जी से संप्रदाय चली है तो फिर रामानुजाचार्य के नाम से क्यों दिया गया है इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी मत मतांतर संप्रदाय हैं ये अपने आप को प्राचीन से प्राचीन दिखाना चाहते हैं भले ही सत्यता कुछ भी हो भले ही वास्तविकता कुछ भी हो और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में मनगणंत कल्पना की जाती है सोचिए कि विष्णु भगवान तो स्वयं उस एक परमात्मा की भक्ति किया करते हैं लक्ष्मी जी स्वयं उन एक परमात्मा के विषय में विष्णु जी से जानना चाहती हैं आप भागवत खोल करके देख लीजिए लक्ष्मी जी ने सात कल्पांत तक तपस्या किया ऐसे प्रसंग का वर्णन आता है तो ये स्वयं विष्णु भगवान के नाम से कोई संप्रदाय क्यों चलाएंगे क्योंकि दोनों को पता है कि ये परमात्मा नहीं है देवी भागवत का कथन क्या है अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानी मो वयम धातः परम वस्तु सनातनम यहाँ तीनों देवता कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूं मैं विष्णु हूं मैं शिव हूं ऐसा कहते हुए हम तीनों देव उस परमात्मा की माया से मोहित हुए जा रहे हैं और हमें भी नहीं पता कि वास्तव में वो परमात्मा कौन है पुराण संहिता में एक प्रसंग आता है पुराण संहिता के चौदहवें अध्याय से लेकर इक्कीसवें अध्याय तक पुराण संहिता के चौदहवें अध्याय से लेकर इक्कीसवें अध्याय तक इस प्रसंग का वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु ईश्वर, शिव और सदाशिव किस तरह से उस गोलोक में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं गोलोक में परमधाम भी नहीं गोलोक का प्रसंग कहां मिलेगा आपको गोलोक कहां पर अखंड है अक्षर के चित्त का जो स्वरूप है मंचित्त बुद्धि अंकार में से चित्त का जो स्वरूप है जिसको हम सबलिक कहते हैं सबलिक के कारण में ब्रज की लीला अखंड है महाकारण में रास की लीला अखंड है वहां तक दर्शन के लिए जाने का प्रसंग आता है उसके ऊपर केवल ब्रह्म है उसके ऊपर सत्स्वरूप है और उसके परे वह दिव्य ब्रह्मपुर है वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता और जब इन तीनों देवों को पता है देवियों को पता है कि ब्रह्मांड के ये जो मालिक कहलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी ऊपर की कोई शक्ति है तो वे अपने नाम से संप्रदाय क्यों चलाएंगे जब ब्रह्मा विष्णु ईश्वर शिव और सदाशिव गोलक पहुंचते हैं तो वहां द्वारपाल जो होते हैं ना उनको पहले पूछते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं है करोड़ों ब्रह्मांड है उन करोड़ों ब्रह्मांड में से आप किस ब्रह्मांड से आए हैं तो जवाब देते हैं ये पांचों पांचों में से ब्रह्मा जी प्रतिनिधित्व करते हुए जवाब देते हैं कि हम सुमुख नाम के ब्रह्मांड से आए हैं इस ब्रह्मांड को सुमुख नाम का ब्रह्मांड बताया गया यह मैं क्यों बता रहा हूं कि एक ब्रह्मांड हो तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश हो ब्रह्मांड करोड़ों हैं महेश्वर तंत्र में शिवजी स्वयं कहते हैं संख्या चेत रजसाम न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादिनाम तथा संख्या न विद्यते कि भले ही इस संसार में जो रेती के कण है ना धूल के कण उसकी गणना भले ही की जाए उसको भले ही गिना जाए पर ब्रह्मा विष्णु और शिव की संख्या इतनी है कि गिनी नहीं जा सकती तो कौन से विष्णु भगवान की पूजा होगी और जब लक्ष्मी जी को यह बात मालूम है विष्णु जी स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते हैं तो ये अपने नाम से संप्रदाय नहीं चलाएंगे ये तो लोगों ने अज्ञानता वेदों को न पढ़ने के कारण दर्शन उपनिषदों को न पढ़ने के कारण पुराणों की रचना हुई और उन पुराणों में भी उनका अर्थ न समझने के कारण लोगों ने भिन्न भिन्न देवी देवताओं की कल्पना करी और अपनी अपनी कल्पना के आधार पर उपासना पद्धतियाँ बना ली। वेद में विष्णु शब्द आया है वेद में ब्र, ब्रह्मा शब्द आया है शिव शब्द आया है गणपति शब्द आया है पर इन सभी शब्दों का अर्थ न समझने के कारण लोगों ने अलग अलग कल्पना कर ली विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है विस्लरी व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बना है इसका तात्पर्य है कि वह परमात्मा जिसकी सत्ता संसार के कण कण में व्यापक है इसीलिए उसको विष्णु कहा जाता है लेकिन वो परमात्मा वही है शिवु कल्याण धातु से शिव शिव शब्द बना है इसका तात्पर्य है कि जो सबका कल्याण करता है इसलिए उस परमात्मा को शिव कहा जा रहा है गुण के आधार पर जैसे एक उदाहरण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जब वो गुजरात में केवल शासन कर रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री कहा जा रहा था जब पूरे भारतवर्ष पर शासन करने लग गए तो वह प्रधानमंत्री हुए मान लेते हैं कि यदि उन्होंने कानून की पढ़ाई करी होती तो वो कभी वकील होते कभी जज होते भूमिका उनकी अलग अलग है ना? इसी तरह से वह एक परमात्मा जो अनंत गुणों वाला है उनके अनंत गुणों में से कुछ गुणों को हम समझ पाते हैं जान पाते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर हम उसके गुणवाचक और भाववाचक नाम बताते हैं हम रखते हैं तो कल्याणकारी होने के कारण उसे ही शिव कहा जाता है सत्ता से समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होने के कारण उसी की सत्ता से सृष्टि बनी है इस कारण उसको विष्णु कहा जाता है बृहद होने के कारण बृहद का मतलब बड़ा और बड़ा कितना अनंत बड़ा इतना बड़ा उतना बड़ा नहीं अनंत है वह इस वजह से उसको ब्रह्मा कहा जाता है हर प्रकार के गणनीय और अगणनीय पदार्थों का स्वामी होने के कारण उसको गणपति कहा जाता है पर इसका मतलब ये नहीं कि वह ये शिव है जिसके विषय में कहा जाता है जटा जूटधारी गले में सर्प की माला है सिर पर चंद्रमा है ये वाले शिव की बात नहीं हो रही है जिन विष्णु को हाथ में शंखचक्र गापद में दिखाया जाता है लक्ष्मी के पति के रूप में बताया जाता है वैकुंठ में रहते हैं ऐसा कहा जाता है ये वो विष्णु नहीं है जिस ब्रह्मा के चार मुख बताए जाते हैं जिन मुख से वो चार वेदों की उत्पत्ति है ऐसा मानते हैं उस ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है जिस गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी के मैल से होना माना जाता है जिनके एक दंत है लंबोदर हैं जिनके सुण है इस गणेश की बात नहीं हो रही ये सब तो एक आलंकारिक वर्णन है ऐसा कोई वास्तव में स्वरूप नहीं है और हाँ जिन महापुरुषों की बात हो रही है अथवा जिन त्रिदेवों की बात की जा रही है ये सृष्टि के प्रारंभिक व्यक्ति हैं ये सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष हैं ये परमात्मा नहीं है और जब इन सबको पता है कि हम परमात्मा नहीं हैं तो अपने नाम से वो संप्रदाय चालू होने नहीं देंगे स्वयं तो नहीं करेंगे ये मनुष्यों की अज्ञानता है कि वेद दर्शन उपनिषद से ज्ञान से विमुख होने के कारण उन्होंने इस तरह के संप्रदायों की रचना करके अनेक पद्धतियां बना ली अब आगे कहते हैं रंगनाथ हम धाम है हमारा जो धाम है वह रंगनाथ है धाम किसे कहते हैं जिसको हम आराध्य मानते हैं उसका जो निवास स्थान होता है वो धाम कहलाता है आगे कहते हैं नदी कावेरी तीर्थ हम कावेरी नदी को तीर्थ मानते हैं तीर्थ किसे कहते हैं जना यही तरंती तानी तीर्थानी मनुष्य जिसके द्वारा तर जाए अथवा भवसागर से पार हो उसे तीर्थ कहा जाता है कल की चर्चा में हमने स्पष्ट रूप से सुना कि नदी में नहाने से पार नहीं होते नदी में नहाने से तो डूब जाते हैं यदि तैरना नहीं आता हो तो पार किससे हुआ जा सकता है ज्ञान के द्वारा और ज्ञान केवल लेने से नहीं ज्ञानी तो रावण भी था ज्ञानी दुर्योधन भी था हाँ ज्ञान लेना पहली सीढ़ी है उस ज्ञान का अनुसरण करने से लोग भवसागर से पार हो सकते हैं तो ज्ञान ही एकमात्र तीर्थ है क्या कहते हैं न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमी है ज्ञान के जैसा दूसरा कोई भी पवित्र पदार्थ ही नहीं है और वही हम सबको पवित्र कर सकता है ज्ञान ही सबको पवित्र कर सकता है और क्या कहा है अविद्या मृत्युम तिरवा विद्या अमृतम विद्या ही वह अमृत है जिससे अखंड मोक्ष की प्राप्ति होती है अब यहां नदी को तीर्थ बता रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा जना यही तरंती तानी तीर्थानी जिन शुभ कर्मों के द्वारा पार हुआ जा सकता है अब संसार में कोई व्यक्ति गंगा को कोई यमुना कोई कृष्णा कावेरी गोदावेरी क्षिप्रा ऐसे अनेक नदियों को तीर्थ मानते हैं पर इन सब के पीछे कारण क्या है ये हम कल की चर्चा में सुन चुके हैं अब आगे कहते हैं देवी है कमला सही कमला जी को हम देवी मानते हैं कमला अर्थात लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं और सारे सबे अर्थ जो हमारे सारे अर्थ को अर्थ मतलब इच्छा चाहना प्रयोजन मनोकामना तो हमारी सारी मनोकामना को वो पूरा करती हैं वह लक्ष्मी जी हमारी देवी हैं वैसे देवी किसको बोलते हैं इष्ट को भी देवी कहा जाता है और जिन स्त्री में दिव्य गुण होते हैं उन्हें देवी कहा जाता है और वो दिव्य गुण कौन कौन से हैं धैर्य क्षमा इंद्रियों का दमन पवित्रता इंद्रिय निग्रह शुद्ध बुद्धि विद्या सत्य अक्रोध दया अहिंसा ऐसे जो दिव्य गुण हैं, इन सब गुणों को धारण करने वाले स्त्री को देवी कहा जाता है और इसी तरह के गुणों वाले पुरुष को देवता भी कहा जाता है अब आगे क्या कहते हैं श्री नारायण है देवता हमारे जो देवता है वो नारायण है और विष्णु आचार्य जो हो हमारे जो आचार्य हैं वह विष्णु भगवान है देखिए देवता का अर्थ जैसा कि मैंने पहले ही बताया दिव्य गुण वाला और आचार्य का अर्थ क्या होता है आचार्य कस्मात निरुक्त में प्रसंग आता है कि आचार्य किसे कहा जाए आचार्य कस्मात आचारम ग्राहयति जो आचरण सिखाए गुरु आचार्य ऋषि ये भिन्न भिन्न है प्रसंग परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि कई बार ऋषि ही आचार्य हो ऋषि ही गुरु हो ये भी हो सकता है कभी गुरु ही आचार्य हो पर तीनों का अर्थ अलग अलग है गुरु का अर्थ है ज्ञान देने वाला आचार्य का अर्थ है आचरण बताने वाला गुरु में ये हो सकता है कि जो ज्ञान देता हो वो उसका पालन स्वयं न करता हो जैसे एक उदाहरण के लिए जो कोच होता है वो खिलाड़ी थोड़ी होता है ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा कोच हो वो अच्छा खिलाड़ी भी हो कि नहीं जैसे एक उदाहरण के लिए आ, अभी तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उनके समय में सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे उनके समय में कभी ग्रेग चैपल कोच के रूप में रहे है ना? कभी आ, ये अफ्रीका के एक कोच थे जिन्होंने गैरी कस्टन ठीक है गैरी कस्टन कोच के रूप में रहे पर इन दोनों का रिकॉर्ड सचिन से ज्यादा अच्छा थोड़ी है फिर भी सचिन के कोच के रूप में तो हैं इंडियन टीम के कोच के रूप में थे तो ऐसे गुरु हैं ठीक है ठीके? पर जब वह आचार्य कहला रहा है स्वयं को इसका मतलब यह है कि उसके स्वयं के अंदर भी वैसा आचरण होगा तो जो आचरण ग्रहण कराए ऐसे व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है गुरु में कमी हो सकती है हाँ पर फिर भी गुरु अपने तरफ से तो शिष्यों को तो चाहेगा कि वो उन कमी को ना अपनाए इसलिए प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे क्या हमारे जितने भी गुरुजन होते थे वो कहते थे यानी सुचरिता सेवितव्याणी जो हमारे अच्छे आचरण है आप उनका सेवन करना अर्थात तो आप उनकी नकल करना हमसे यदि कोई गलती होती है तो आप उनकी नकल मत करना तो यहाँ आचार्य का अर्थ है जो आचरण ग्रहण कराए और ऋषि का तात्पर्य है जो सामान्य ज्ञान देने से लेकर के सामान्य आचरण कराने से लेकर के इससे भी ऊपर उठ चुका हो और ध्यान समाधि के मार्ग पर चलकर जिसने वेदों के गुह्य ज्ञान को मंत्रों को ध्यान के मा माध्यम से समझ लिया हो ऋषि वही मंत्र दृष्टारह जिसने मंत्रों को देख लिया हो मंत्रों को देखने का मतलब अक्षर के रूप में लिखा हुआ नहीं देखा है उसके यथार्थ रूप को जिसने समझा है उसको ऋषि कहा जाता है अब यहाँ आचार्य की बात की जा रही है मैंने आपको गुरु ऋषि और आचार्य तीनों में भेद भी बताए अब यहाँ कहीं कहीं पर जो इष्ट है उसी को आराध्य भी बता रहे हैं और कहीं कहीं पर उसी को आचार्य भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो आचार्य हैं वो विष्णु भगवान है जो हमें आचरण सिखाते हैं गायत्री है अलख निरंजन हम अलख निरंजन गायत्री को मानते हैं गायत्री क्या है किसी को पता है अधिकांश लोग गायत्री को मंत्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र और मुझे लगता है कि जितने भी हिंदू हैं हमारे उन सबको ये मंत्र याद होगा ओम भूर्भुअस्व तत्सविता वरण्यम भर्गो देवश्य धीम ही धियो यो न प्रचोदयात इसको गायत्री मंत्र के रूप में बोला जाता है वास्तव में गायत्री मंत्र नहीं है गायत्री एक छंद है छंद तो समझते हैं ना काव्य में कविता में कुछ विशेष मात्राओं में जो रचना की जाती है उनको छंद कहा जाता है विशेष रूप से आठ छंद है जैसे अनुष्टुप है त्रिष्टुप है गायत्री छंद है जगती छंद है इसी तरह से उपछंद भी होते हैं ठीक है थेके? हमने काव्य में काव्य शास्त्र में छंद के विषय में पढ़ा होगा शार्दुल विक्रीडित छंद है मदाक्रांत छंद है ऐसे अनेक छंद हैं उन्हीं छंदों में से गायत्री भी एक छंद है जिसमें चौबीस मात्राएं होती है कितनी चौबीस मात्राएं ये वेदों में काव्य तो हिंदी भाषा में भी है जैसे चौपाई चौपाई भी तो छंद है ना दोहा है दोहा भी छंद है, सोरठा होता है सोरठा भी छंद है रोला भी एक छंद है इसी तरह से वेदों में अनुष्टुप त्रिष्टुप जगति के साथ साथ में गायत्री छंद है जिसमें अनेकों मंत्र हैं और उन अनेकों मंत्र में से यजुर्वेद के 36वें अध्याय का एक तीसरा मंत्र है जिसको हम सब जानते हैं गायत्री मंत्र के रूप में वास्तव में गायत्री एक मंत्र न होकर एक छंद है जिसमें ये मंत्र है ओम तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य ही धियो योन प्रचोदयात इसका सामान्य स्वभाव ये है कि हे सच्चिदानंद आनंद पर ब्रह्म भू भु, का तात्पर्य होता है सत्चित और आनंद भू सत्तायाम धातु से सत बना है भूअ अवचिंतने धातु से चित अथवा चेतन बना है और स्व का अर्थ होता है आनंद जैसे हम स्वर्ग बोलते हैं ना आनंद का जो स्थान है ठीक तो है तो भू भुआ स्व हे सच्चिदानंद परब्रह्म आप वर्ण करने योग्य वरण्यम है ना सवितु अर्थात सूर्य के समान प्रकाशवान है वर्ण करने योग्य है आप हमारी बुद्धि को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें ये इस मंत्र का भाव है तो गायत्री जिस मंत्र की हम बात करते हैं इसका तात्पर्य ये होता है अब रामानुज मत के आचार्य कह रहे हैं गायत्री है अलख निरंजन हम अलख निरंजन को गायत्री मानते हैं अब अलख निरंजन जो गायत्री है ये कोई वास्तव में गायत्री नहीं है अलख निरंजन कितने शब्द हो गए दो शब्द मात्राएं कितनी हो गई अलख में तीन मात्राएं हैं निरंजन में देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच छ तो कुल मिलाकर नौ मात्राएं हो रही है मात्राएं गिनने का तरीका आपको यदि जानना हो तो जहां रस्व अक्षर होता है ना या जहां एक मात्र एक अक्षर होता है जैसे क ख ग इत्यादि वो एक मात्रा। रस्व है वह भी एक मात्रा। और दो मात्रा किसको बोलते हैं जहां दीर्घ हो जैसे आ की मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है बड़ा ऊ की मात्रा है उसको दो मात्रा गिना जाता है और जहां संयुक्त तो अक्षर हो जैसे निरंजन में आधा न और ज जुड़ा हुआ है ना तो उसको भी दो मात्रा गिनी जाती है तो आप मंत्र गिन सकते हैं कोई भी छंद आप गिन सकते हैं तो अलख निरंजन को यदि गायत्री मान रहे हैं तो ये तो फिर काल्पनिक हो गए कपोल कल्पित तो और झूठा साबित हुआ क्योंकि गायत्री मंत्र में तो चौबीस अक्षर होना चाहिए तो ये है गायत्री है अलख निरंजन कही पद्धति रामानुज सो रामानुज मत के आचार्य ने अपनी पद्धति बताई अब यह सुनने के बाद कहते हैं सुन पद्धत श्री राज ने किए प्रश्न जो एह श्रीजी ने अब प्रश्न पूछा रामानुज आचार्य को रामानुज मत के उस समय के आचार्य को वो पहले वाले रामानुज आचार्य नहीं क्या कह रहे है? कहियो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुज हैं हे रामानुज के आचार्य आपने तो अपने मत को अगाध अर्थात अनंत महिमा वाला बताया आप तो धन्य धन्य है लेकिन आपने क्या किया जग माहे की कही तुम आपने जो कुछ भी बताया वो तो इस चौदह लोक के ब्रह्मांड के अंदर ही आता है धाम वैकुंठ बता रहे हैं चौदह लोक में ही तो आता है ना चौदह लोक तो पता है ना सबको नीचे के सात पाताल बताए जाते हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल जिसमें हम हैं वो भूलोक है फिर उसके ऊपर पौराणिक मान्यता के हिसाब से भूलोक है फिर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जनलोक तपलोक और सतलोक जिसको वैकुंठ कहा जाता है अब कहते हैं जग माहे की कही तुम जितना भी आपने बताया वो सब तो इस जगत के अंदर का ही है और कहे वेद जगत को नाश वेदों में शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में तो महाप्रलय में इस जगत का नाश होना बताया है पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में प्रलय में तो यह शरीर भी नाश हो जाता है और संसार भी नाश हो जाता है तो कहाँ जीव को वास महाप्रलय की अवस्था में हमारे जीव का वास जिसको हम बोलचाल में आत्मा कहते हैं ना उस जीवात्मा का निवास कहां पर रहता है यदि वैकुंठ ही नाश हो गया तो मुक्ति कहां मिलेगी आप सामीप्य मुक्ति की बात कर रहे हैं सामीप्य मुक्ति मतलब विष्णु भगवान के पास में जब विष्णु भगवान ही नहीं रहेंगे जब वैकुंठ ही नहीं रहेगा तो आपकी मुक्ति कहां रहेगी इस तरह से जब श्रीजी ने प्रश्न किया तो रामानुज मत के आचार्य के पास कोई जवाब नहीं था अब निमानुज मत जिसको निम्बार्क भी कहा जाता है निम्बार्क मत के आचार्य सामने आते हैं और अपनी पद्धति बताने लगते हैं कि उनका मत कौन सा है निबार उनका नाम तो वैसे नियमानंद था और उनका एक नियम था कि जब तक उनके उनकी कुटिया में किसी व्यक्ति को भोजन नहीं कराते थे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे एक दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए और उन महात्मा का नियम था सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है इनका नियम है किसी दूसरे को खिलाए भी ना खाना नहीं है तो नियमानंद जी ने अपने योग बल से जो कुटिया के पास में नीम का जो पेड़ लगा हुआ था उस पेड़ में सूर्य का दर्शन करा दिया वहां पर दिखा रहे हैं कि ये सूर्य है तो अपने नियम के हिसाब से इन्होंने भोजन भी कर लिया जो साधु पधारे हुए थे और उसके बाद इन्होंने भोजन किया तो नीम के वृक्ष पर सूर्य को अर्क भी कहा जाता है संस्कृत में तो नीम के वृक्ष पर अर्क का दर्शन करा देने के कारण उनको निम्बार्क कहा जाता है तो इनके द्वारा निमानुज मत की शुरुआत हुई है अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि इनकी पद्धति क्या है इनकी पद्धति को सुनकर श्री जी ने क्या प्रश्न किया आगे विष्णु स्वामी मत है और उसके बाद माधवाचार्य है दस नाम सन्यासियों का मत अभी बाकी है छह दर्शन के भिन्न भिन्न आचार्य हैं, छह दर्शनों की मान्यता क्या है तो आगे आने वाले तीन चार दिनों में हम इन सभी प्रसंगों की चर्चा सुनेंगे अब समय पूरा होता है दो दोहराइये जग माहे की कही तुम।, माहे की तुम कहे वेद जगत को नाश पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहा जीव को वास तो कहा जीव को वा, बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम